नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक मॉनिटर है जो कि नो पावर में है, ठीक है। ये है बैंकवेट का, इसे मैं देखो लगा रहा हूँ, इधर से ऑन करेंगे। यहाँ पे बटन देख सकते हो, कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है, ओके। और मल्टीमीटर लेके दिखा दूं मैं, ठीक है। पावर कोड हमारा सही है और मॉनिटर खराब, चलिए देखेंगे क्या इश्यू है, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले इसे खोल देंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टील के लॉक्स हैं, इनको खोलना होगा। बैंकवेट का है ये मॉनिटर, इसके बाद है इसे भी कनेक्शन को निकालना होगा, क्योंकि भाई अच्छा सिस्टम है ये, काफी डस्ट दिख रहा है, फ्यूज भी उड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसे निकालें, यहाँ पे देखेंगे तो कैपेसिटर किसी ने शोल्डरिंग करके बैठाया था। हाँ, इसमें भी सोल्डरिंग लग रही है, कोई बात नहीं, इसे हम खोल देंगे। थोड़ा बने ही, मैं ज़रा जगह साफ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन को उधर रखना पड़ेगा, सप्लाई को तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन को साइड में शिफ्ट करना होगा ना। बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो ये अभी खोल दिया मैंने, अभी ये सप्लाई निकाला, वे चेक करेंगे कि कुछ स्टेप बाय स्टेप। और इसका फ्यूज देख सकते हो, मुझे तो खराब लग रहा है फिलहाल। तो ये डेड है, ये कैपेसिटर पे भी थोड़ा डाउट ही हो रहा है, बट देखते हैं अभी क्या क्या करेंगे। फ्यूज गया है इसका, थर्मिस्टर को चेक करेंगे, थर्मिस्टर सही है। कॉइल चेक कर लेंगे एक बार, कॉइल सही है इसका, ठीक है। उसके बाद है ब्रिज डायोड को चेक करेंगे, यहाँ पे ब्रिज डायोड सही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डस्ट वगैरह है, कुछ काफ़ी गंदा है, मतलब कभी सर्विस तो करवाया नहीं। यहाँ पे डायोड वगैरह है जो कि चेक कर लेंगे। तो एक ऑयल है बाजू वाला, यहाँ से वैसे यहाँ पे आना रहता है, यहाँ पे नहीं, पर इसे भी एक बार चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर छोड़ा हुआ है, मतलब काम करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं इनसे। K3264 R&D किया इन्होंने, लेकिन इनको आया नहीं, समझ में आया नहीं। ये देखिए शोल्डरिंग ऐसे ही छोड़ दिए, ये धरती के महान योद्धा हैं, योद्धा जिनको करना कुछ नहीं है, बस खराब करना सबको है।
क्या पता क्या काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत नफरत है लोग से, सच में जानबूझ के लोग करते हैं ऐसा। और ये है टीचर, स्कूल में मतलब आईटी का सिखाते हैं, आईटी वाले हैं, टीचर हैं, टीचर सिखाते हैं, खुद को शोल्डर मारना नहीं आता इनको। डेफिनेटली इसको भी ख़राब किया ही रहेगा इन लोगों ने, ऐसे ही बैठा दिया रहेगा। इसमें हीटसिंक वगैरह लगती है, ये गधे हैं। अगर थोड़ा सा अच्छे से काम किए होते तो हो गया होता, बस वो जला हुआ दिखा रहेगा या तुक्का मारा रहेगा, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। इस तरीके के काम से जो काम होना रहता वो भी नहीं होता। चल भाई आ जा, ठीक है इसे एक बार खोलेंगे, देखेंगे कि हीट सिंक लगा है कि नहीं, इसको भी कोई दूसरा लगा है। देख सकते हैं हीट सिंक को लगाया नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। क्या बोलूँ यार, ऐसे लोग को कसम से यार गाली देने का मन करता है। साले टीचर टीचर क्या बन गया, मतलब इनको सब आता है, शोल्डर करने नहीं आता इनको। धूर्त हैं, धूर्त, जहाँ जाएंगे अपने औकात दिखाएंगे। ऐसा जानबूझ के करते कि खुद से तो हो नहीं हो, दूसरे से भी ना हो। ये मेरा हीट सिंह है, काफी साल से चला रहा हूँ मैं, मस्त है। ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा दो ताकि ठंडा है। ठीक है चलो शुरू करते हैं, आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा भाई, यहाँ पे है हमारे। यहाँ पे अगर माइका वगैरह का लगा देंगे आप तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है तो अभी तो फिलहाल इसमें जो नंबर है वो K32 3264 है, तो एक बार अभी इसे चेक कर लेंगे, इंस्टॉल करके देख लेते हैं चलेगा कि नहीं। मुझे थोड़ा इस पर डाउट हो रहा है।
कंपोनेंट पे कि कंफर्म यही है कि पूछ रहा है। भाई जो ऐसे सर टीचर के पास सीखने जाएगा 101% फेल होगा, लिख के ले लो। उससे बेवकूफ बना सकते हैं, बाकी बस का ना है गुरु जी के क्लास चला वाला। उधर से चूड़ा लगा रहा है अपने चेलों को, ठीक है। हो गया ये भी, हो गया चलो यहाँ तक शोल्डर हो गया। अब इसे थोड़ा सा कट कर देंगे लीड को, ऊपर जो उठा हुआ। चलो भाई बाहर एक बार रजिस्टर की वैल्यू वगैरह चेक कर लेंगे कि भाई चेक तो करना से, ठीक है। चलो रजिस्टर की वैल्यू तो नहीं ली है, सही है। सही है यहाँ तक, ये सब का थोड़ा आईपी से क्लीन करेंगे, फिर उसको एक जम्पर मारेंगे, ठीक है। वो इस तरीके का कोई अगर ब्रश होगा आपके पास तो अच्छी बात, ठीक है। तो थोड़ा सा आईपी मार लेंगे इसको, भाई ये बोतल मुझे चेंज करनी है भाई, बहुत तकलीफ है। मेरे को दे तो दिया एक जन ने गिफ्ट में, लेकिन उतना नहीं जम रहा काम करने के लिए जितना जमना चाहिए। एक्चुअली गिफ्ट में दे दिया करके प्यार से इसे थोड़ा चला लेते हैं, लोग अच्छे हैं मिल जाते हैं मुझे। ठीक है यहाँ तक हो गया। कैपेसिटर पे थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि टांग इसकी शायद टूटी हुई थी, देख सकते हो, उसको भी चेंज करने की कोशिश की है। टांग टूटी हुई थी लेकिन शोल्डर मार के चलाने की कोशिश की है इसको, तो हम इस पर फिलहाल कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे कैपेसिटर पे। लेकिन चलो फिलहाल इसे कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद है फ्यूज पे एक जम्पर मार देंगे, ठीक है। हो गया अभी भाई एकदम परफेक्ट साइज का ही हुआ है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। यहाँ पे कट करना होगा एकदम ही परफेक्ट हुआ है। चलिए एक बार चेक करेंगे इसके करंट को, वोल्टेज को, सारे तो मार्किंग से करें कितने कैपेसिटर है, सभी को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी है फिलहाल तो बहुत तकलीफ दे रहे हैं यार। एक हो गया, एक तो ये हो गया, एक यहाँ पे भी है, उसके बाद है यहाँ पे है सेकेंडरी, ये
शायद कैपेसिटर भी चेंज करके देखा उन्होंने। फिलहाल हमने इस पर कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, ठीक है। जो गलती उन्होंने की है हमने सिर्फ उसको सुधारने की कोशिश की। और एक यहाँ पे भी है, और ये देखो सबसे बड़ी बकलोली, वैसे लोग का सर फोड़ देना चाहिए कसम से बता रहा हूँ, इतने दिमाग खराब करके रखा है ना। अरे नहीं आता है भाई, मत सिखाओ विशरण की तरह, पूरा ट्रैक उखाड़ के रख दिया पूरा। जो नौसिखियाँ होते हैं ना, नौसिखियाँ इनसे अच्छा काम तो बच्चे करते हैं। और शोल्डर निकाल के थोड़ा सा इस तरीके से, कैसा है अगर बोर्ड पे टच होगा तो भी शॉर्ट होने का चांस रहेगा। तो इससे आपको क्या करना होगा, इससे तो यहाँ से आप शोल्डरिंग कर लो और इसके शोल्डर को निकालो, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा कटर ले लो, मेरी बाजू में हल्का सा स्क्रैच कर दो, अगर आपके पास जैसे ट्रैक उखड़ जाए तो ऐसे प्रोफेशनल काम करो, ऐसे चिंदी काम मत करो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, देखो बढ़िया से हो गया। अब यहाँ पे हल्का से शोल्डर मारो, और इसे बैठा दो यहाँ पे। हो गया, मस्त बैठ गया, पूरा जमा करके रखा था कचरा। चलिए अब चेक करें यहाँ से, यहाँ पे ट्रैक को, ठीक है, हो गया सही। मल्टीमीटर को हमने डीसी 200 पर सेट कर दिया, सारे कैपेसिटर को एक बार ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और अब इससे करंट को चेक करेंगे, ठीक है, देखते हैं। जहाँ तक मुझे थोड़ा ट्रांजिस्टर पे डाउट है, तुम लोगों ने सेम लगाया भी है या नहीं, या उसकी जगह पे कौन सा लगा दिया। चलिए एक बार देख ले, भाई इसमें शॉर्टिंग है अभी, ठीक है। अभी शॉर्टिंग इन लोगों ने कहाँ किया है गड़बड़ वो देखना होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मॉस्फेट एक है एक्चुअली K3264, तो ये शॉर्ट है, इसलिए बार बार शॉर्टिंग दिखा रहा था, मतलब जिसने लगाया था खराब ही लगाया था। ये देखिए, इसे मैं बार बार इस तरीके से अगर कर रहा हूँ तभी भी ये शॉर्ट आ रहा है, तो देख सकते हैं पूरा शॉर्ट है, इसलिए शॉर्टिंग दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके बदले में मैंने दो कंपोनेंट निकाले, ठीक है। इसमें से एक है 15A60 और एक है K3569, लेकिन इसकी टांगें काफ़ी छोटी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि फिलहाल तो हम K3569 मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं इसे ही बैठाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और हालांकि ये थोड़ा नहीं काफ़ी छोटा पड़ेगा, लेकिन हम इसकी टांगों को शोल्डर वगैरह करके एडजस्ट करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, जैसे बैठ मैं पहले बैठा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, पता चला नहीं बैठा तो मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे हम फिलहाल बैठाएंगे और शोल्डिंग वगैरह करके बोर्ड को इस जगह पे फिट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने शोल्डरिंग किया, ठीक है, देख सकते हो आ गया ये रहा। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इस तरीके से तीन वायर निकाले, ठीक है, एक यहाँ पे निकाला, इस तरफ इस तरफ। तो एक एन चैनल का मॉस्फेट था, तो ये हमने रिप्लेस किया किससे, K3264 से, ठीक है। फिलहाल हमने ऑप्शन में ये भी रखा है 15A60, ये भी एक एन चैनल का मॉस्फेट है, बट वो मोस्टली SMPS वगैरह में होता है, पावर इस तरह के सप्लाई में नहीं होता रिपेयर, मतलब यूज़ नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसमें चेक करेंगे, देख लेते करंट आएगा कि नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं हो गई। तो चलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, मल्टीमीटर ऑलरेडी 600 पे सेट है, तो चलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल तो कोई शॉर्टिंग नहीं हुई भाई, पहले बड़े कैपेसिटर पे वैल्यू इसकी चेक करेंगे। अरे सॉरी, थोड़ा इसे एडजस्ट करो। ओके, प्रॉपर हो गया, चल रहा है, यहाँ पे 11-12 वोल्ट आ रहा है भाई, चल गया लगता है, 11 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 11.5, 3.1, 3.6, मेरे ख्याल से अभी ये चल जाना चाहिए, अगर इतना आ रहा है तो ठीक है, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है मतलब फिर चल ही जाना चाहिए मॉनिटर। भाई बड़ी मशक्क़त लगती है, वीडियो तो बहुत बड़ा बनाया भाई, नो पता है मुझे, लेकिन मेहनत भी लग रही है भाई, छेड़खानी किया हुआ बोर्ड है ये। तो देखिए, जो भी सीखना है थोड़ा डिटेल में सीखिए, अगर आप शॉर्टकट में सीखने जाएंगे तो आपका लॉस है, आपका नुकसान है, ठीक है, आपको पूरी बातें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती है। शॉर्टकट में छोटे वीडियो देखते हो तो, और जब करने जाते हो तो सक्सेस भी नहीं होता है, गारंटी है। तो इसलिए कोशिश करो कि बड़े बड़े से बड़े वीडियोस को देखो और उनसे ये सब मतलब समझो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सीखना ही है तो, सिर्फ टाइम पास करना है तो छोटे वीडियो में देख सकते हो। चलिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगा, इन कैपेसिटर्स को हटाऊँगा भाई, ये डायोड है मेरा, सॉरी। तो मॉनिटर पे एक दो स्क्रू लगा देंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को क्लोज़ करूँगा मैं अगर ये सक्सेस हो गया तो, और नहीं हुआ तो वापस से देखेंगे। हो जाना चाहिए, अगर आप इतना करंट तो आ गया है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो ठीक है, आ गया है, देखते हैं बाकी। ये यहाँ से है, ठीक है, इस तरीके से बैठ गया, तो यहाँ पे सिर्फ लगाऊंगा मैं बैक लाइट को। ओके, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लगा दो भाई, नहीं तो करंट मारता है कभी कभी बहुत तगड़ा, ठीक है। तो ये मैंने फिट कर दिया फिलहाल, और अब केबल्स को ले लेंगे और चेक करेंगे भाई, इसे भी लगाओ, छिड़खानी किया हुआ है तो इसका चार्जेस भी लेंगे वैसा, लेकिन हो जाना चाहिए भगवान, बोलो जय सिया राम। ठीक है, चलो बटन दबाए, ऑन हुआ भाई, पावर आ गया है, डिस्प्ले एक बार चेक करेंगे, डिस्प्ले भी आ गया गाइस, मैं दिखा दूँ आपको, 1 मिनट बने रहिए, डिस्प्ले भी आ गया है, हालांकि कस्टमर का डिस्प्ले थोड़ा सा ख़राब था,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, देखिए मैंने डायरेक्ट पे, देखिए यहाँ पे लगा दिया, डायरेक्ट पे लगाया और यहाँ पे अभी तक पावर हुआ ऑन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं पावर को दबाऊंगा बटन, ठीक है पावर आया। ये देखिए डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले आ गया। इसका स्क्रीन बहुत ख़राब दिख रहा है, तो डिस्प्ले में देखिए ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पर तो देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और नज़दीक से दिखाओ ये देखिए, तो ऐसा ही है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।